ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा T20 मैच आज तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। 2020 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का पल्ला भारी रहा है। दूसरे T20 मैच से पहले चलिए जानते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड और संभावित प्लेइंग 11 और मैच आज शाम को 7 बजे शुरू होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड 2020 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का पल्ला भारी रहा है। इन दोनों टीमों के बीच 2020 फॉर्मेट में कुछ 27 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें भारत ने कुल 16 मुकाबले जीते हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया ने 10 मैचें जीती है। एक मुकाबले का नतीजा नहीं रहा है। अगर भारत ने अपनी सर जमीन पर ऑस्ट्रेलिया के सामने 11 मैचों में 7 में जीत दर्ज की है और ऑस्ट्रेलिया को 4 में जीत नसीब हुई है। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आज अपना 12वां 2020 मुकाबला तिरुवनंतपुरम में उतरेगी। मौसम विभाग के अनुसार आज तिरुवनंतपुरम में बारिश की संभावना 25% है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में तिरुवनंतपुरम में हल्की बारिश हुई है, लेकिन मैच के दौरान मौसम साफ रहने की उम्मीद है। अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ऐसे में उम्मीद है कि क्रिकेट प्रेमियों को पूरा मैच देखने को मिलेगा बिना रुकावट के। चलिए अब देखते हैं पिच रिपोर्ट। ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम गेंदबाजी के लिए अनुकूल मानी जाती है। इस मैदान पर अधिक स्कोर नहीं बनते हैं। यहाँ खेले गए 4 अंतर्राष्ट्रीय मैच में कम स्कोर बना है। आयोजन स्थल पर आयोजित 3 T20 में औसत स्कोर 114 का ही है और लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों को लक्ष्य निर्धारित करने वाली टीमों से 2-1 की बढ़त हासिल है। इस स्टेडियम में पहले गेंदबाजी करना पसंदीदा विकल्प होना चाहिए। दूसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने वाली टीम 65% मैच जीतती है। भारत की संभावित प्लेइंग 11: ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा एंड मुकेश कुमार। और ऑस्ट्रेलिया की संभावित प्लेइंग 11: मैथ्यू शॉट, स्टीव स्मिथ, जोश इंग्लिश, एरन हार्डी, मार्कस टोइनिस, टिम डेविड, मैथ्यू वेड, सीन एबॉट, नाथन एलिस, जेसन बेनरफ और एडम जंपा। और रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम आपको डेली क्रिकेट रिलेटेड ऑल अपडेट देते रहेंगे।